So beautiful, so elegant, just looking like a wow, isn't it guys? पीछे हाथ करो तो मनीषा ये मेहंदी खुद से लगाइए guys, और कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। और इसी के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में। तो अभी मेहंदी सेरेमनी चल रही है, चल क्या रही है मतलब अभी तक तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा किसको मेहंदी लगाया नहीं लगाया, लेकिन घर के परिवार के सभी लोगों ने मेहंदी लगा दिया, उनको हमने सिर्फ लगा प्रिंस दिया नहीं लगाया है शायद, उनसे भी मैंने बोला तो अभी गए हैं लोग ना वहाँ पे, हाँ लड़की वालों के यहाँ गए, रात के कितना वक्त तो है 9:30, मैं देखो अरे वाह मनीषा का प्रोफाइल, ये फोन का क्या लगाई उस दिन का तिलक का लगाई थी, वॉलपेपर है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी क्या है ना कि मैंने बोला तो अभी वो लोग आ जाएंगे सबको ही, तो फिर से लगेगा तब, क्योंकि मेरे को भी इसमें लगवाना है, देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो लगवाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही इस हाथ से गोल गोल तो कम से कम भर सकते हैं, ये नेल्स को रंग लेंगे, बाकी बहुत मुश्किल हो रहा है इस साइड से पूरा हाथ को घुमा के ऐसे लगा रहे, मैं भी सोचे दोनों आगे पीछे भी लगा, आगे तो चलो अच्छा लग गया फर्स्ट क्लास, लेकिन पीछे से नहीं लग पा रहा है, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल गैप ना, क्योंकि लाल होएगा ना तो सब अच्छा लगेगा, और सोचे कि मेकअप अच्छा नहीं होगा तो कम से कम मेहंदी तो अच्छा लगा ले, क्योंकि अभी कोई भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कल रेडी होना है नहीं होना है, इसलिए आप सो गाइस आप लोग बने रहो इस ब्लॉग में। तो बेसिकली इस ब्लॉग में मैं ये सोच रहा था ना कि मैं वैसे जब रात को मैं अभी जाने वाला हूँ घर, आगे का ब्लॉग तो मनीषा ही कंटिन्यू करेगी, फिर सुबह आऊँगा मैं, है ना, सुबह क्यों आएंगे, कल है सारा कुछ, तो अब सुबह जाने मैं कल चला जाऊँगा तो तुम क्या करोगी, कल तो बारात है, कल सुबह ही सुबह सारा फंक्शन है, हाँ तो तुम सारा फंक्शन करना अपना अच्छे से, हम आराम से आएंगे दोपहर तक, ठीक बा, अच्छा बाल में मेहंदी इतना लगा ली है सबको, लगाते लगाते आधा मेहंदी बाल में लगा हुआ है, बाकी मेहंदी का यहाँ पे पूरा गुच्छा बंडल मंगवाया, देख सकते हो आप लोग, चलो लगाओ बढ़िया से। तो गाइस अंधेरी राहों में सारा पलटन को लेके जितना जितना सब चाचा का काका का पका सब भाई लोग है, सब लोग उठा लिए, हम बोले चलो सन भरी घूमे, तब हम नहीं जाते नहीं भरी घूमे रोड पर, तो हई कह रहे हैं बाबू अंधेरा में कौन जाता है, हम बोले सहनसा अंधेरी रातों में फोफी खाते हुए सहनसा जाते हुए, तो चलिए चलिए असली सहनसा ये है, अकेले घूमते हैं, कहाँ जाना है ये चाचा है मेरे अंधेरी रातों में सुनसान राह पर, तो ये सहनसा है असली, हम लोग तो गुच्छा में जा रहे हैं, अकेले ही रोड संभाल दिए हैं पूरा, तब चाचा को दुकान वकान खुलवाइएगा कि नहीं, खुलेगा ना दुकान, कौन दुकान खुलेगा, अभी तो अपना ही दुकान खुला हुआ है, नहीं एक मच्छर जाए और मच्छर चलाने वाला आ गया तो ठीक आ चाहिए, चाचा के दुकान पे ही हमला आज हो जाए, दुकान अभी खुला होगा कि नहीं खुला होगा क्या, रसगुल्ला बना है अब रसगुल्ला फ्री हो गया, फ्लैशा पे हाथ रख दियो वीडियो में, हाँ एक आदमी दस लोग खाए के बाद चलिए गरम गरम रसगुल्ला खिलाया जाए सब लोग को, ये गरमा गरम रसगुल्ला देख सकते हैं भाई, दुकानदार फ्री कर रहे हैं, आज की ताजा खबर, एक और सहनसा मिले हमें, अरे गाड़ी पे यही बोल रहा है कि अंधेरा में सुनसान रास्ता पे कौन घूमता है, हम बोले सहनसा, चले एगो सहनसा आई आ रहे हैं इधर से, एगो आप दिख रहे हैं, सभी लोग घूमते हैं सभी लोग घूमते हैं, तो अभी यहाँ पर गरम गरम रसगुल्ले पे हम लोग, गांव का यही मजा है ना, ये विनोद भाई यहाँ बैठे हुए हमारे, पूरा रसगुल्ला मतलब पूरे जिले सिवान जिले का फेमस रसगुल्ला शिवपुर सकरा में हम लोग को यहाँ विनोद भाई की दुकान पर मिल जाएगा, कब हो गया लो पकड़ो ना, बच्चा सब है, बच्चा सबको ठंडा मजा नहीं, ठंडा वाला तुम ठंडा खाएगा मुंह जल जाएगा, देखिए एक बार में ये गो टपा दिए, थोड़ा दो बार में खाते तो अच्छा लगता, ये देखिए वीडियो पे जलाते रहो, सुबह रही आपका हो जाएगा, शीतल चाचा का फेमस किए थे एक बार, शिवपुर सकरा पूरे सिवान जिला में रसगुल्ला के लिए प्रसिद्ध है,
गरम गरम रसगुल्ला विनोद भाई का दुकान रात के 10 बजे तक खुला रहता है, कभी भी आप आकर खा सकते हैं। सब लोग दो दो रसगुल्ला टपाए और ना तीन हाँ तो, क्या है तीन नहीं हम दो टपाए, शिवम को दे दिया था, दो टपाए तो सब लोग दो, सबको दो दो मिला कि नहीं, हमको एक, हमको भी एक, हमको भी एक। चलिए फ्री का रसगुल्ला कह सकते हैं, लेकिन मैंने दुकान वाले को नेक दे दिया कि भाई पैसा नहीं ले रहे तो नेक ले लो। चलो अब आगे चलते हैं इस सुनसान राहों पे एक और सहिंसा की तलाश में। वो बना रहा है कुछ और। ये बॉलिंग करते हुए अर्णब गोस्वामी रिपब्लिक भारत इधर का दुकान तो बंद है, इधर शादी है, इधर शादी है, चला जाए खाने को मिलेगा तो पहले तुम खा के आना तो फिर तुम पारा पारी खा खा के चला जाए बेगानी शादी में। इसको हमको कोई नहीं जानता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हमें एक और सहनसा मिले हैं रात को 12 बजे हमारे प्यारे नीरज भैया जमा होता है। तो गाइस अभी हम लोग निकासी लिखा हुआ था, निकासी दूसरा कुछ है नहीं, आधार कार्ड वाला निकाला जाता है। तो अभी हम लोग घूम चुके हैं बाजार, बहुत मजा आया और हमें एक दानव मिला इतने मानव के बीच में नहीं अभी अभी लोग एक घंटा लगेगा, इतना जल्दी नहीं आ सकता। देखिए हमें लाइट की कमी पड़ रही थी, साइड हो जाओ सब लोग। चलो ये मैं हूँ, ये हमारा गांव है और यहाँ पार्टी हो रही है और पार्टी देने वाले आई है हमारे नीरज भैया, यही बिना समोसा वगैरह का बिना रसगुल्ला का पार्टी चल रहा है। चलिए अच्छा लगता है, गांव में घूमना चाहिए कभी कभी, ठीक है। यहाँ पर 80 की स्पीड में चाची जाती हुई खाना लेके, सब लोग खाने के लिए बैठ गए। तू क्या कर रहा है, जा बुला कला भाभी को। तो गाइस अभी खाना खाने के लिए बैठे हैं और मुरई गया है छिलका हटाने के लिए छिलका हटा के मुरई का सलाद कटेगा। तो ये हमारी सीता बुआ हैं, हमसे उम्र में पता नहीं कितनी साल बड़ी हैं, 40 साल बड़ी है ना जी, ये उनका लड़का, हाँ 40 साल, 40 साल बड़ी हैं वो, 40 साल, हाँ ये वाली बुआ सीता बुआ। पूछ लो कितनी साल बड़ी हैं, गीता बुआ इनका नाम है, गीता बुआ हैं तभी 35 साल होंगी, 40 साल। देखिए ये मेहंदी लगा क्या है, हैं एक हाथ मेहंदी लगा के बस काम खत्म। वाओ कितना सुंदर मेहंदी लगाया ये, देखिए ये वाला आगे का नहीं पीछे का भी अच्छा लग रहा है। यहाँ गेंडी स्वामी बैठे हुए हैं, एक गेंडिया दांत निकल रहा है सब लोग का मेरे जैसा। तो इनको खाना नहीं मिला इसलिए अभी थोड़ा नाराज है। हमको कौन पूछ रहा है खाने के लिए, पूछे हैं क्या एक बार, पहले ही मुंह खुला हुआ है और मत फुलाइए। बीनू मौसी नहीं आई क्या जी हम तो भाई छोड़िए अब रॉक को मेन दिया है, देखे पूरा हो गया कंप्लीट, अभी एक बार में कंप्लीट नहीं हुआ, लगा लो। सो गाइस और अभी मैं घर आया क्योंकि मेरे आँख में बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया है। एंड कल क्या हुआ ना कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक मैं मतलब कोई ऐसा टच किया था, मतलब जलेबी वगैरह खाया था मैं, फिर उस पर हनी बी का वो मतलब था और मैंने फिर उसको साइड किया और मैंने हाथ वॉश भी नहीं किया और उसके बाद से मैंने सिर्फ आँख को ऐसे टच कर दिया क्योंकि मेरी आदत है, उसके वजह से आँख ये पूरा स्वेलिंग हो गया है, ठीक है। और अभी डॉक्टर के पास गया हुआ था, मेडिसिन दिखा करके लेके आया हूँ, तो अभी इसको आराम होने में काफ़ी टाइम लगेगा, फीवर भी चढ़ा हुआ है। तो
बस अब ज़्यादा कुछ नहीं एंड बहुत थोड़ा सा वो है लेकिन इन्फेक्शन है तो अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा ठीक हो जाएगा। कल उसका भी आँख में इन्फेक्शन था, उसको भी मैं और देख रहा था, चुटकी को क्या नाम है अंकिता को, तो लेकिन मेरे को ये लगता मैंने टच किया था ना वो मधुमक्खी वाले हाथ से, तो इसलिए मेरे को ये हो गया। तो बहुत सारी चीज़ों को लेना पड़ता है प्रिकॉशन, इसलिए अब मैं अब शायद कोई ब्लॉग भी ना आए आज, और मैं आराम से रेस्ट करूँगा। पूरा सिर विर भी फट रहा है, वो बुखार भी चढ़ा हुआ है थोड़ा सा। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बहुत मस्ती मजाक था इस व्लॉग के अंदर। अब आप लोगों को पता नहीं अगला व्लॉग कब तक मिलेगा। बाय बाय, लव यू ऑल।